गाइस आई देखते रहे, यू आर वाचिंग द ज़ाहिद अख्तर व्लॉग्स। एंड गाइस आज के वीडियो में हम लोग करेंगे वीरप्पन के बियर्ड मूछ हेयर ग्रोथ ऑयल का रिव्यू, साथ ही हम बात करेंगे इसके रिजल्ट्स के बारे में। इसको ऑलरेडी मैं 30 दिन से यूज कर रहा हूं, तो मेरे जो पिछले 30 दिन का रिजल्ट है उसके बारे में बात करेंगे। कितना प्राइस है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए इस बियर्ड ऑयल को, इन सारी हम चर्चाओं पे मुद्दा करेंगे उल्टा बोल दिया, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चाएं करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आप लोग से एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो और इस मुखड़े को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके घंटा ज़रूर दबा देना। फ्री है यार, सब्सक्राइब करना, घंटा दबाना बिल्कुल फ्री है, ऐसे हो जाता है। और इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो अभी मैंने रिसेंटली इस ब्रांड की शूट की फ़ोटोज़ डाली है, तो आप जाके उसको भी चेक कर सकते हो। कैंट कैंट फोटो, कैंट कैंट चीज़ें मेरी इंस्टाग्राम पे आपको देखने को मिलेगी, जिससे हो सकता है आप कुछ सीख पाओ, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर पाओ। सो ये सारी चीज़ें थी। यदि आपको सब्सक्राइब करना है तो बहुत अच्छा होगा। जितने भी हमारे चीता सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और एक चीज़, groomingcareers.com अपनी वेबसाइट काफ़ी अच्छी चल रही है, यहाँ पे अब वीडियोज़ में मैं लिंक डाल दिया करूँगा, ऊपर वीडियो में आपको यहीं पे दिखता रहेगा हमेशा, चेक करना है तो जाके चेक कर सकते हैं। इसका भी मैं एक अच्छा सा आर्टिकल डालूंगा थोड़े दिन बाद। इससे पहले कि मैं इसका रिव्यू स्टार्ट करूँ, ज़रा आप पहले दिन की कहानी देख के आइए, 10वें दिन की कहानी देख के आइए, पहले दिन से जिस दिन से मैंने यूज़ करना शुरू करा है हुआ क्या था, ज़रा वो देख के आइए। क्या चल रहा है? आज है तारीख 3 फेब 4:22 हो रहे हैं और आज से आपका ज़ाहिद यूज करने जा रहा है वीरप्पन के बियर्ड मूछ हेयर ग्रोथ ऑयल को। और गाइज मैं इसको यूज करूंगा लगभग 25 से 30 दिन और उसके बाद आपसे शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस और भी देखेंगे कि क्या वाकई में इससे हमारी बियर्ड ग्रोथ में इजाफा हुआ है या जो हमारे बाल जहाँ नहीं आ रहे हैं वहाँ पे बेबी हेयर आना शुरू हुए कि नहीं। गाइज तो टोटल 10 दिन से मैं बियर्ड ऑयल अपने बियर्ड पे लगा रहा हूँ और आज 11वां दिन है, तो मैंने सोचा कि आपको 11वां दिन का रिजल्ट आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो ज़रा जूम करता हूँ, फिर आप आराम से देखिए। और गाइज को जिस तरीके से मेरी 10 दिन में बियर्ड आई है और आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पे आपको बेबी हेयर्स महसूस हो रहे हैं। आपके सामने मेरी पूरी बियर्ड है, मैंने कहीं भी कोई शेव नहीं करी, इसलिए गर्दन ऐसी पड़ी हुई है, तो मैं अच्छा दिखा दूँ। इस तरफ तो कुछ बेबी हेयर्स मेरे को महसूस हुए हैं और ये कुछ बेबी हेयर्स महसूस हल्के से इधर महसूस हुए हैं। बाकी बियर्ड थोड़ी सी हार्ड लग रही है मेरे को। बाकी मैं आपसे शेयर करता हूँ पूरे 30 दिन जब हो जाएंगे, उसके बाद प्रॉपर आप जो वीडियो देख रहे होगे तो पूरे 30 दिन का मेरा एक्सपीरियंस होगा। मिलता हूँ मैं आपसे 30वें दिन पे। हाँ जी गाइस, स्वागत है आपका दोबारा से अपने चैनल पे और अब हम करेंगे अपना रिव्यू स्टार्ट। उम्मीद है कि आपने जो भी अभी तक देखा होगा आपको अच्छा ही लगा होगा। तो सबसे पहले हम इसके पैकेजिंग से बात करेंगे। तो पैकेजिंग जो है इसकी कुछ इस प्रकार के बॉक्स में आता है, ऊपर अच्छी खासी वीरप्पन की ब्रांडिंग दी हुई है, नीचे लिखा हुआ है बियर्ड मूछ हेयर ग्रोथ ऑयल रिवाइव्स रूट्स नरिशेस हेयर। और ये जो हमारा बॉटल है ये 30 ml की क्वांटिटी की बॉटल है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार की बॉटल मिलेगी और इसके साथ आपको ये ड्रॉपर मिलेगा जिसको मैंने ऑलरेडी इस पर फिक्स कर दिया है। सो अगर हम बात करें इसकी सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की, क्योंकि ऑलरेडी हमको ये चेक करना तो ज़रूरी हो जाता है कि हमारे इस बियर्ड ऑयल के अंदर पड़ा गया, क्योंकि अल्टीमेटली हमने जिस चीज़ के लिए पैसा दिया है वो चीज़ तो हमें चेक करनी पड़ेगी। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसमें हैं सनफ्लावर ऑयल, सिसमे ऑयल, यहोवा ऑयल, कोकोनट ऑयल। गाइस स्क्रीन पे पूरी लिस्ट आ रही है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। करी लीव्स है, सैंडलवुड ऑयल है। सो इस प्रकार के करीब 8-10 ऑयल पड़े हुए हैं और साफ साफ लिखा है कि ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है। सो इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को तो नहीं मिलेंगे बंधु। बात करें अगर हम इसके प्राइस की, तो गाइज ये जो 30 ml क्वांटिटी का ये ऑयल है इसका प्राइस जो है MRP इन्होंने 859 लिखी हुई है, लेकिन इतना महंगा नहीं है, 859 MRP लिखी हुई है, लेकिन ये आपको Amazon पे 400 के अंदर अंदर मिल जाएगा। अभी मैंने जस्ट इसके जो प्राइस चेक करे थे वो 379 था। सो उम्मीद है कि 350 से 450 के बीच में आपको ये ऑयल मिल जाता है 30 ml क्वांटिटी का। सो वो महंगा नहीं है। हाँ अगर ये 800-850 का मिलता है तो बहुत ज़्यादा महंगा है। वही सब बात करते हैं इसके हम बॉटल की, इसकी फ्रेग्रेंस की, इसकी कंसिस्टेंसी की। बॉटल इसकी जो है डार्क ग्लास बॉटल में ये ऑयल आता है। दूसरा अगर हम इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो
अगर आपको केवड़े की खुशबू पता होगी, बहुत लोगों के घर में केवड़ा यूज होता है, खाने में पड़ता है, सो वैसे ही इसकी खुशबू है, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है, माइल्ड सी खुशबू है, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं, मतलब आपके नाकों में चढ़ेगी नहीं और आपको छींके वींके नहीं आएगी, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इसकी फ्रेग्रेंस मतलब कोई दिक्कत करने वाली नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें इसकी कंसिस्टेंसी की, तो बहुत ज़्यादा आपको वाटरी वाटरी जैसा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप पानी अपने चेहरे पे अप्लाई कर रहे हो, ऑयल ऑयल बिल्कुल नहीं लगेगा, ग्रीसी और स्टिकी बिल्कुल नहीं है। जी तो अब बात करेंगे कि बियर्ड ऑयल को लगाना कैसे है। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं बियर्ड ऑयल को अप्लाई करने के, बट जो मैं तरीका फॉलो करता हूँ मैं आपको वही इस वीडियो में बताऊँगा। और दूसरी बात गाइज, एक चीज़ ये है कि आप जब बियर्ड ऑयल को यूज़ करो तो सबसे अच्छा तरीका है रात को यूज़ करने का, क्योंकि आपके पास आप जितने भी टाइम सोते हो 7-8 घंटे और उसके बाद रात का थोड़ा सा समय, जो सुबह का समय, तो लगभग 10 घंटे आपके दाढ़ी पे बियर्ड ऑयल रहता है, तो वो अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि आपकी बियर्ड धुली होनी चाहिए। अगर आपकी बियर्ड है या नहीं है, बेसिकली मसला ये है कि चेहरा आपका धुला होना चाहिए। चेहरे को धुलने के बाद आपको क्या करना है, हार्डली 4 या 5 बूंद आपको बियर्ड ऑयल के अपने हाथ में गिराने हैं और उसको अच्छे से ऐसे पाम पे अपने रगड़ना है जिससे कि फ्रिक्शन क्रिएट हो और थोड़ा सा वो ऑयल गर्म भी हो जाए। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी बियर्ड पे, मूछ पे अगर आती है तो भी, नहीं आती तो भी, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो बियर्ड को उगाना है, तो आपको ये उल्टे साइड से ऐसे मलना है, आपको अपने अप्लाई करना है। तो ये इस प्रकार से आप करोगे, जब ऐसे कुछ इस प्रकार से, मतलब आपके हेयर्स जैसे भी आते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, बेसिकली आपको ये तेज़ तेज़ ऐसे करना है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि बिल्कुल हेयर नहीं आ रहे हो, जहाँ आपको लगता है पैचेस हैं, तो उसको आपको अच्छे से ना ऐसे इस तरीके से मसाज करनी है लगभग 3 से 4 मिनट आपके पूरे बियर्ड वाले एरिया पे और जहाँ जहाँ आप चाहते हो अपने मुस्टैच पे, तो उसको आपको इस प्रकार से बिल्कुल ऐसे 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 लगभग 3-4 मिनट कुछ इस प्रकार से आपको मसाज करके सो जाना है गाइज बस। और उसके बाद आपको इंतज़ार करना है या आपकी बियर्ड आती है कि नहीं आती है। गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बियर्ड ऑयल एक दिन में काम नहीं करता है, इसको आपको लगभग 3-4-5-6 महीने लगाना होता है अच्छे रिजल्ट देखने के लिए। इसी के साथ गाइज मैं आपको ज़रा आप अपना एक्सपीरियंस और अपना रिजल्ट बताता हूँ, क्योंकि आपने अभी मेरे 10 दिन के रिजल्ट देखे थे, सो मैंने जो महसूस करा है मैं वो आपसे शेयर करूँगा। सो अभी ज़रा मैं जूम करता हूँ यार, अकेले वीडियो बनाने में यही होता है यार। चीज़ तो तुम में से अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है ना तो मेरा दर्द समझ सकता है, वही सही में अकेले बंदा शूट करता है, अकेले कैमरा हैंडल करता है, तो अभी क्या हुआ कि पूरी पूरी वीडियो शूट कर ली थी मैंने अपनी जो बियर्ड की चीज़ बता रहा था और वो फोकस में नहीं हुई, कमाल है। तो जुगाड़ अपने पास सारे हैं, आप दोबारा शूट कर रहे हैं और अब की ओवरलैप आएगा, मैं यहीं से शूट करूंगा आपके लिए। सो गाइज मैं आपसे बता रहा था कि मेरे पिछले 30 दिन में हुआ क्या है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोटिस करी है बियर्ड ऑयल को लगाने के बाद, तो मेरे जो ये बियर्ड के बाल हैं ये थिक होना शुरू हो चुके हैं, और जो भी मेरे को मिल रहा है वो यही कह रहा है कि भाई तेरी बियर्ड की डेंसिटी बढ़ रही है। वो बेसिकली इसलिए हो रहा है, उसको अगले को इसलिए लग रहा है कि मेरे बियर्ड के जो बाल हैं वो थिक होना शुरू हो चुके हैं, तो इससे क्या लग रहा है कि मेरी बियर्ड ज़्यादा आ रही है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है यार मेरे लिए कि मेरी बियर्ड के जो बाल हैं वो थिक होना शुरू हो गए। दूसरी चीज़ जो मैंने नोटिस करी है, मेरे इस तरफ पे बाल बहुत कम आते थे और अब बाल यहाँ पे आना शुरू हुए हैं थोड़े बहुत, मतलब 4-5 यहाँ पे बेबी हेयर्स मैं देख सकता हूँ और 4-5 बेबी हेयर्स मैं यहाँ देख सकता हूँ, दूसरी चीज़ हो गई है। तीसरी चीज़ जो मैंने देखी है, मेरे मूँछ पे इस तरफ नाक के जस्ट नीचे मेरे बाल बहुत कम थे तो यहाँ ये थोड़ी सी थिकनेस बढ़ना शुरू हुई है, ये 3 चीज़ नोटिस करिए। और मेरे इस तरफ बाल नहीं आते, वो अभी भी नहीं आ रहे हैं। सो पिछले 30 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे को देखने को मिले और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं इस ऑयल को अगले 5-6 महीने और लगाऊंगा और देखते हैं कि मेरे को और क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सो हाँ गाइज, रिजल्ट तो देखने को मिले हैं, जो बियर्ड थिक हो गई है वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है यार। दूसरी, यहाँ पे बेबी हेयर्स आना शुरू हुए हैं, यहाँ पे आना शुरू हुए हैं, यहाँ पे 2-3 दिखे हैं मेरे को हल्के से मेरे जस्ट लिप्स के नीचे। सो सही है यार, 30 दिन में और क्या ही चाहिए। और वैसे भी प्रोडक्ट जो बनाती हैं कंपनियां वो यही कहती हैं कि आप एटलीस्ट 5-6-7 महीने साल भर लगाओ बियर्ड ऑयल, तो आपको अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो या गाइस, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस बियर्ड ऑयल का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और रिज़ल्ट आपके सामने है, मतलब कोई मैं ऐसा फेक तो कर दे रहा हूँ, रिज़ल्ट आपके सामने। यदि गाइज आप लोग को ये प्रोडक्ट लेना है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। गाइज मैं हमेशा ये क्यों बोलता हूँ कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालने से क्या होता है कि आपको जो बेस्ट बाय डील होती है, जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट होता है वो खरीदने का मौका मिल जाता है। दूसरा ये कि मैं अफिलिएट लिंक डालता हूँ, तो अफिलिएट लिंक से क्या होता है कि आप कुछ भी खरीदोगे तो उसका कुछ कमीशन हमें मिल जाता है, मैं पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता है, किसी किसी प्रोडक्ट का कमीशन होता भी नहीं है। सो इसलिए सारे यूट्यूबर कहते हैं कि आप
अपना एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला करो। भैया मदद कर रहे हैं आपके लिए, पैसा खर्चा हो रहा है, हर चीज़ हो रही है, सो थोड़ी सी कमाई भी तो होनी चाहिए ना, बस यही सीन था। सो अगर हम पूरी बात करें तो मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा है, हाईली रिकमेंडेड है ये। अगर आपको ख़रीदना है अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इनके प्रोडक्ट की, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारी चीज़ आप जाके इनसे कंफर्म कर सकते हो। अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो जो मेरे को लिंक दिखेंगे प्रोडक्ट के, फ्लिपकार्ट पे अगर मिलता है तो मैं फ्लिपकार्ट के भी लिंक दे दूंगा, मैंने अभी फ्लिपकार्ट पे चेक नहीं किया था। गाइस इसी के साथ अगर आपको मेरे और भी कोई रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स लेने हैं तो मेरा अमेज़ॉन पे शॉप पेज आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो जाके, सारे लिंक हैं। टेलीग्राम में कनेक्ट होना, टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाओ। उम्मीद है गाइस कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा बहुत ज़्यादा। अब गर्मी शुरू हो चुकी है, सो गर्मी जब शुरू होती है तो अपने को सेटअप करना पड़ता है चेंज। सो इसी के साथ मेरे को तो इजाज़त यार, और दुआ करो कि आपका जाहिद ऐसी और तरक्की करे, दुआओं में याद रखा करो। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, अल्लाह हाफिज़।